यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा बोलने पर विवाद। एम्स दिल्ली में डॉक्टरों से मांगी गई धर्म और जाति की जानकारी। अयोध्या राम मंदिर मामला, केंद्र ने SC से कहा जिस जमीन पर विवाद नहीं वो सरकार को लौटा दे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा बोलने पर विवाद। अमेरिका प्रांत नॉर्थ कैरोलिना में स्थित ड्यूक यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के कॉलेज में परिसर में चीनी भाषा में बात करने पर विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी से जुड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर मगन नैली ने यूनिवर्सिटी को ही दो शिक्षकों की ओर से शिकायत मिलने के बाद एक ईमेल लिखा था जिसमें कॉलेज परिसर में ऊंची आवाज में चीनी भाषा बोलने पर विवाद खड़ा हो चुका था। इसका जिक्र वहां किया गया है। एम्स दिल्ली में डॉक्टरों से मांगी गई धर्म और जाति की जानकारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में कार्यरत वरिष्ठ डॉक्टरों से धर्म और जाति का विवरण मांग लिया है। एम्स के निर्देशक ने इस अनुसूचित और चौंकाने वाला कदम माना है। दरअसल एम्स ने डॉक्टरों से उनका पूरा विवरण मांगा है जिसमें धर्म और जाति की जानकारी भी मांग ली गई है। एक पन्ने के इस फॉर्म को सभी डॉक्टरों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से बीते सप्ताह में वितरण किया गया था। एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेशिया ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि उन्होंने इस फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों से उनके धर्म और जाति के बारे में नहीं पूछा गया था। अयोध्या राम मंदिर मामला, केंद्र ने SC से कहा जिस जमीन पर विवाद नहीं वो सरकार को लौटा दो। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने अदालत में अर्जी देते हुए कहा है कि वह जमीन के विवाद हिस्से में को छोड़कर बाकी जमीन पर राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को दे दी ताकि राम मंदिर की योजना पर काम किया जा सके। विवादित जमीन के आसपास 67 एकड़ जमीन सरकार